नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, खेसारी लाल यादव के एक्स मैनेजर, मैं इसलिए एक्स मैनेजर कह रहा हूँ क्योंकि अब वो खेसारी लाल यादव के टीम के हिस्सा नहीं है एंड ही इज नॉट मैनेजर ऑल्सो, तो वो मैनेजर भी नहीं है। नाम है उनका विवेक सिंह। विवेक सिंह ने मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी है जो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए और इस बात को सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि खेसारी लाल यादव के अब विवेक सिंह टीम का हिस्सा नहीं है। खेसारी लाल यादव अलग हैं और विवेक सिंह अब जो हैं वो अलग हो गए हैं। क्या क्या कुछ कहे हैं वो पूरी जानकारी तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि मैंने भोजपुरी के हिट मशीन का इंटरव्यू लिया था। खेसारी लाल यादव जी का जब इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने हमारी कार्यशैली को, यानी कि हमारे जो काम को, उन्हें अप्रिसिएट किया था। और अप्रिसिएशन के दौरान उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा था, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। सबसे भोजपुरी रिमझिम देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम। आप पिंटू भाई को प्यार करिए, सपोर्ट करिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये भी अपनी राय ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा सके। और मैं इनको सुनता हूँ, पिछले जो लोग बेहतर बोलते हैं मैं उनको हमेशा सुनता हूँ। और इनके शब्दों में किसी के लिए भी, अगर मेरे लिए भी मैं कुछ गलत करता हूँ तो ऐसा नहीं कि गलत शब्दों से ये हमें संबोधित करते हैं, हमेशा अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, प्रयोग करते हैं और लोगों के बीच में अपनी राय रखते हैं। जिस तरह रखते हैं उस तरह आप सुनिए, इनका जो तरीका है उसको अपनाइए और आप भी अपने जीवन में कुछ बेहतर करिए। तो दोस्तों देखिए, आपने वीडियो, ये वीडियो आप जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि खेसारी लाल यादव के लिए भी ये हमारी जो खबर होती है, जो न्यूज़ होती है, वो कितना ज़्यादा पसंद है और उसको भी वो ध्यान से सुनते हैं। जिस तरीके की वो बातें कह रहे थे उससे तो यही लगता है कि वो एक एक वीडियोज़ को प्रॉपरली जो है वो देखते रहते हैं, और ऐसा उनके इस बयान से प्रतीत होता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव की टीम के लगभग ऑलमोस्ट सभी लोगों से मैंने इंटरव्यू किया है। और जब मैंने अखिलेश कश्यप जी का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने भी क्या कुछ कहा है, ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। सबके प्रणाम भाई, पिंटू भैया के चैनल भोजपुरी रिमझिम जॉन चैनल के पर्सनली पूरा टीम खेसारी के हर सदस्य यहाँ के चैनल के हमने के वॉच करी ला जाए, देखी ला जाए, भैया के चैनल हो गए। तो ये अखिलेश कश्यप थे जो खेसारी लाल यादव के दबंग राइटर के तौर पर जाने जाते हैं। मैंने और विवेक सिंह का भी इंटरव्यू किया, विवेक सिंह जी का भी इंटरव्यू किया है और उन्होंने भी लगभग 20-22 मिनट का इंटरव्यू दिया था। और वो वीडियोस भी आप लोगों ने लाखों लाखों में उस पर प्यार दिया था और कई सारे फेसबुक पेज पे तो मिलियंस ऑफ मिलियंस में उसको प्यार मिला था। तो विवेक सिंह जी जो थे उनका भी इंटरव्यू मैंने किया था। तो लगभग ऑलमोस्ट जो है खेसारी टीम का मैंने इंटरव्यू किया है। लेकिन आपको पता होगा कि विगत दिनों खेसारी यादव का एक स्टेज शो भी था दिल्ली में। दिल्ली में जब स्टेज शो था तो बकायदा खेसारी यादव जी ने मुझे बुलाया, मंच पर किस तरीके से बुलाया पहले वो आप देख लीजिए। वाह, कैसे हैं पिंटू भाई? चलिए, भोजपुरी रिमझिम के बहुत अच्छे हमारे भाई हैं, बड़ी प्यार करते हैं मुझे और आए हैं तो स्वागत है आपका। नागलोई में, दिल्ली में ही रहते हैं और बड़े प्यारे हैं भाई। चलिए, पिंटू भाई है ये, पिंटू सिंह यादव जी, जो कि भोजपुरी रिमझिम इनका एक चैनल है। तो आप लोग प्यार और सब्सक्राइबर करिए उनको और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। तो गाइस देख लिया आपने, मंच पर खेसारी लाल यादव जी ने बुलाया, प्रॉपरली मेरा चैनल का नाम लिया और मुझे अप्रिशिएट किया, काफ़ी बढ़िया लगा। और इसी चीज़ का वीडियो जो है वो मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाया था। मैंने लिंक लगाया था यूट्यूब का और उनके साथ फोटो लगाया था। तो इस फोटो को इंस्टाग्राम पर जो विवेक सिंह हैं, मतलब अब खेसारी टीम के हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने वाह 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 लिखा है। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने इस तस्वीर और वीडियोस को वाह 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 लिखा है। मैंने लिखा कि थैंक्स भैया, तो उन्होंने कहा कि ये हुई ना बात, अच्छा काम हमेशा काम आता है। यानी कि उनके जो मैनेजर विवेक सिंह थे उनको जो है मेरा काम अच्छा लगता है और शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया है, तो शायद ये नतीजा है कि इतने बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आपको मंच पे बुलाते हैं। तो भले ही विवेक सिंह खेसारी टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ही इज हैप्पी नाउ विथ माई वर्क, यानी कि वो मेरे काम से जो हैं वो हैप्पी हैं। तो फिर मैंने कहा कि थैंक्स, बस ये आप लोगों का आशीर्वाद और सपोर्ट है, आप लोगों के अप्रिसिएशन की ही वजह से ये हुआ है। तो उन्होंने कहा अरे भाई ये मेहनत है आपकी। तो ये भले ही मैनेजर नहीं है, लेकिन इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेट करती है और ये रियलाइज कराती है कि चलिए वो भले ही नहीं है, लेकिन वो अपने सुपरस्टार के बारे में किस तरीके से सोचते हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए भी काफ़ी बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है। तो एक अपडेट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी इस खबर पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।